अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि वो कोरोना वायरस के संक्रमण जानबूझकर फैलाने का जिम्मेदार पाया जाता है तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे। ट्रंप ने कोविड-19 को लेकर चीन के रहस्यमय अंदाज, इस बीमारी से जुड़े तथ्यों की पारदर्शिता में कमी और शुरुआती दौर में अमेरिका के साथ असहयोग के रवैये पर निराशा जताई है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, यदि वे जानबूझकर जिम्मेदार हैं तो इसके परिणाम भुगतने को तैयार रहें। आपको पता है, आप जिंदगियों की बात कर रहे हैं, जैसा कि 1917 से कोई नहीं देखा है। ट्रंप ने कहा कि जब तक कोविड-19 का संक्रमण पूरी दुनिया में फैला है, उससे पहले तक उनका चीन से बहुत अच्छा संबंध है। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि उन्हें चीन में कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़े पर यकीन नहीं है और चीन में अमेरिका से भी ज्यादा मौतें हुई है। ट्रंप ने ये बयान तब दिया था जब चीन ने कोरोना वायरस के केंद्र रहे वुहान में मौतों की संख्या में अचानक से 50% का इजाफा कर दिया था। चीन के साथ व्यापार समझौते के वक्त को याद करते हुए ट्रंप ने कहा कि जब हम लोग समझौते कर रहे थे तो उस वक्त रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन अचानक से आप इसके बारे में सुनते हैं, इसलिए ये बड़ा अंतर है, ट्रंप ने कहा। आपको पता है, सवाल पूछा गया था कि क्या आप चीन पर गुस्सा होंगे। देखिए, इसका जवाब एक बड़ा सा हाँ हो सकता है, लेकिन ये निर्भर करता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि एक गलती की वजह से चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाए और कुछ जानबूझकर किया जाए तो इसमें अंतर है, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा। दोनों ही हालत में उन्हें हमें बताना चाहिए था। आपको पता है, हमने उनको शुरुआत में ही पूछा था, लेकिन उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे लगता है उन्हें पता था कि कुछ बुरा हुआ है और इसे बताने में उन्हें शर्म आ रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि चीन चाहता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति जो बिडेन जीत जाए। बता दें कि बिडेन डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। ट्रंप ने कहा कि अगर जो बिडेन जीत जाते हैं तो अमेरिका पर चीन का कब्जा होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था कुछ ही दिनों में पटरी पर आ जाएगी। बता दें कि अमेरिका कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित है। यहां पर बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस से 1,891 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 38,000 पार कर गई है। यहां पर 7,34,000 लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं।